दोस्तों, आज की मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा हम किसी भी सिम ट्रे को बिना चलाए कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए आपको जो आपकी SMD है उसकी हीट रखनी है 300 पे, 320 पे, और एयर को रखना है 150 पे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सिम ट्रे निकालते समय आपको अपनी SMD को हमेशा घुमाते रहना है, कहीं एक जगह पर रोकना नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा मगर आपकी सिम ट्रे बहुत ही ईजिली निकल जाएगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, अपने हाथ को बराबर घुमा रहा हूँ। दोस्तों, आप भी ऐसे ही आसानी से निकाल के किसी ख़राब बोर्ड की सिम ट्रे निकाल के किसी अच्छे बोर्ड में लगा सकते हो। दोस्तों, आपको अपना हाथ घुमाते रहना है। जैसे ही दोस्तों सिम ट्रे उठेगी, ये हल्का सा है, इसको हिला हिला के देख लेना बीच बीच में। दोस्तों, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे ही थोड़ी बहुत भी जल्दबाजी की तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सिम ट्रे को के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी, इसको आपको तभी उठाना है जब ये अपनी जगह से इसके पॉइंट जितने भी हैं मेल्ट हो जाएं। दोस्तों, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है मगर हमारा सिम ट्रे बहुत ही आसानी से निकलेगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी मगर काम हमारा एक नंबर का होगा। दोस्तों, आपको अपने हाथ को हिलाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी सिम ट्रे उठ रही है। दोस्तों, इसे ऐसे ही हल्के हाथ से धीरे धीरे उठा लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सिम ट्रे है एकदम ठीक निकली अपनी जगह से। पहले दोस्तों, हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे।
उसके बाद मैं आपको सिम ट्रेनर दिखाऊंगा। दोस्तों हम अपने सिम ट्रे को पहले क्लीन करेंगे। दोस्तों साफ करने में थोड़ा समय लग सकता है, मगर हमारी जो ये सिम ट्रे है एकदम परफेक्ट है। बस इस पे थोड़े से दाग धब्बे आ गए हैं ऊपर, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं सिम ट्रे बिल्कुल भी कहीं से नहीं जली है। पीछे के इसके सारे पॉइंट ओके हैं और आगे से भी देख लीजिए सर, ये कहीं पे भी नहीं जली है। इसकी प्लास्टिक एकदम सेफ है, बस ये थोड़ा सा इस पे दाग आ गया है, ये दाग भी मैं क्लीन कर दूंगा। और अब दोस्तों अगर हमें सिम ट्रे लगानी हो तो हम इसको बहुत ही ईजिली ऐसे ही लगाएंगे, हमें कुछ नहीं करना। आप अपनी सिम ट्रे को ऐसे ही रख देंगे, इसके पॉइंट से पॉइंट को मिला दीजिए आप। और आप आयरन से ऐसे इसके पॉइंटों को रिसोल्ड कर दो। ये देखिए दोस्तों जैसे कि हमारी सिम ट्रे एकदम लग चुकी है। आपको करना कुछ नहीं है, हल्का सा आयरन इस पर टिका के 2-4 सेकंड 5 सेकंड के लिए छोड़ दो, ताकि ये जो साइड वाले पॉइंट हैं ये अपनी पकड़ बना लिए। देखिए दोस्तों हल्के हाथों से आयरन को रखना है आपको, ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं देना वरना सिम ट्रे दब सकती है।
कैसी ये देखिए दोस्त, हमारी सिम ट्री एकदम प्रॉपर लग चुकी है अपनी जगह पे। ये देखिए इसके सारे पॉइंट आपस में सॉल्ड हैं बढ़िया से दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं लगी। तो दोस्तों आप भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों हम इसी तरह सिम ट्रे को बिना जलाए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।